किया था कि दिलीप भाई मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कैंसर पीड़ितों के लिए मतलब कारगिल साबित होगा और काफी कामयाब होगा वो, और कामयाबी के एहसास से इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में अपने आप में ये पहला प्रोडक्ट है। रही बात यूज करने की, तो आप लोगों की दुआओं से मेरे को अभी तक इस टाइप का कोई मसला हुआ नहीं कि मैं इसको यूज करूं, मगर मुझे यकीन है कि जिन जिन को ये परेशानी हुई है अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो जरूर उसको फायदा मिलेगा। अरुण सर, आपसे जानना चाहूंगी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है उसके बारे में क्या जी। सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ बैठा ये है कि मुझसे कहा गया था बकौल आई एम थैंकफुल टू प्रिंस, मेरा एक फिल्म में मेरा साथी था, छल फिल्म का नाम था, हम लोग भी आ रहे थे। और उसने मुझे ये कहा था कि आज मिस्टर कादरी बहुत सारे कैंसर पीड़ित लोगों को ये जो है ये दवा, ये जो दवा है वो मुफ्त देंगे, और ये एक काफी लोग दे रहे हैं जी, और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है क्योंकि आजकल जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, और जब हम सबको पता चलता है कि इसके ऊपर हमको 10% मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण होती है कि चलो 10% तो मिलेगा। आज इस मंच के सौजन्य से मैं सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि दवाइयों को जरा सस्ता कीजिए और कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि जिससे कि दवाइयां बहुत सारे लोगों को मुफ्त मिले। लोगों के बैंक बैलेंस जो है वो सब खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दवाइयों का रेट बहुत ज्यादा है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कैमराज जो है ये सरकार है, ये उनको इस मंच के सौजन्य से मैं कह रहा हूं कि प्लीज दवाइयों की कीमतों के ऊपर ख्याल रखिए। और कादरी साहब, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं आप उनको ये दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं, भगवान करे हमारी दुआएं हैं आपके काम में बरकत पड़े, और आप रोज एक जो एक क्वांटिटी है 100, 200, 500 वो आप लोगों को बांटे। इस दुनिया में आजकल कलयुग के जमाने में लोग दुआओं से चलते हैं, आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी और मैं आपके इस अभियान को इंडोर्स करता हूं। भगवान करे इसमें इतनी बरकत हो कि जो जो भी कैंसर पीड़ित है वो इसका पान करे, नोश फरमाए, इसको वो ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और इतना फैसिलिटी दे रहे हैं अलग अलग वर्ग को, मीडिया के लोग को, या फ्री में इलाज कराने के लिए, उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे? अभी तो हम काफी वर्षों से चल रहे हैं, लोगों से चलती आई है, यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा, जोर से इधर लाउड करके हम ये दवाई तो नहीं कादरी साहब, आपको ऊंचा बोलना सरदार पावर लेके न्यू, बिकॉज ये बहुत बड़ा अभियान है सर, बहुत बड़ा अभियान है कि आप उन लोगों को मुफ्त में ये दवाइयां दे रहे हैं। आप प्लीज जरा आवाजें बुलंद कीजिए। एक्चुअली ये दवाई का मकसद ही ये है कि गरीब पेशेंट को इसका फायदा मिले। जहाँ तक हमने आज तक जो भी लोगों को दवाई दिया उसमें हमारे डायरेक्टर हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके भाई को दिया दवाई, वो अभी आपके सामने मौजूद हैं, वो बोलेंगे। इस दवाई से काफी लोगों को फायदा हुआ है और आगे भी होगा, हम उम्मीद करते हैं और आप सबकी दुआएं लेते हैं, और आगे हम इसको सिर्फ मकसद हमारा ये रहेगा कि गरीबों की सेवा करें, कैंसर से लोगों को राहत दिला। कितने वर्षों से पैटर्न है आपके पास? ये तो हम तकरीबन मैं तो इसको 20 साल से यूज करता हूँ, 20 साल से ज्यादा मैं लोगों को देता हूँ, और ये जो दवाई चल रही है तो पुरखों से चलती आई है हमारे गुरु से। इतना समय कैसे लगा, जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे, मार्केट में लाने के लिए इतना समय कैसे? हमने सोचा नहीं था कि मार्केट में लाए, जो हमारे पास मरीज आते हैं उनको देते हैं, उससे शिकायत का पैसा होता है। मोदी सरकार ने जो आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना शुभकामना देना चाहेंगे आप मोदी सरकार? बहुत अच्छी बात है, भी उनको दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ है, और मेरा सवाल आपसे है, केमो कराने के बाद भी कैंसर जड़ तोड़ नहीं होती है, इसके बावजूद लोग रेडिएशन कराते हैं फिर भी नहीं खत्म होता है, लास्ट में उन्हें जो है मौत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में आपकी दवाई कितना कारगर 20 साल में साबित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पेशेंट, हमारे पास ज्यादातर जो मरीज आए हैं वो लास्ट स्टेज के ही आए हैं, फर्स्ट स्टेज में कोई आए नहीं मोस्टली, क्योंकि वो केमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब चीजें होने के बाद ही मरीज आयुर्वेद पर जाता है, फर्स्ट स्टेज में कोई जाता नहीं। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है,
हमारे पास 78 इयर्स ओल्ड एज थे, सारा होटल वाले उनके पप्पा को भी दवा दिया। अभी ये जो रिंग्स है जहाँ पे रल्ला लेंगे, भाई को भी एडमिट किया था ऑपरेशन के लिए, उन्होंने बोला था कि वो बताएंगे आपको। काफी ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत सारा फायदा हुआ, उस बेस पे हम सोचा कि ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा दवा दें, ये हमारा मकसद है। सर कैंसर जड़ से खत्म हो जाता है कि रहता है कैंसर? देखो लास्ट स्टेज के पेशेंट आएंगे तो जड़ से कैसे जाएगा, है जब तक वो जिंदगी रहेगी राहत से जिएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है तकलीफ क्या होती है कैंसर के पेशेंट को, उनसे पूछिए। रात दर्द होता है तो आदमी रात भर सोता नहीं है, कैंसर के मरीज की तो उनसे पूछा जाता है दर्द बहुत। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मेरी, जो सबने भी कहा है कि जो इलाज के लिए पैसा होता है, कैंसर नाम सुनते ही आदमी सोचता है कि मैं तो इलाज में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, आप फ्री दे रहे हैं तो क्या पैटर्न होगा, किस तरह से फ्री देंगे सर, कितना दिन तक देंगे? अभी तो हम ये फ्री देंगे और बाद में थोड़ा सा हम उसका कॉस्ट रखेंगे जिससे हमारे कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल से कॉस्ट बढ़ता है, सोचे कि हम डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करके दवाई देंगे, सस्ती और अच्छी होगा। हाजी साहब देखिए, अगर इसमें असर है, इसमें बरकत है, तो इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी, ये बात तो देश विदेश में जाएगी। आप हमसे वादा की, देखिए मैं शूटिंग छोड़ के आया सर, आजकल क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उससे आप एक एक मिनट बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड प्रिंस, मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ, आप ये वादा करेंगे आपसे कि आप हर महीने कम से कम 100 से 200 ये जो दवाई है, हम पहले दुआ दे रहे हैं कि बरकत पड़े, लेकिन आप 100 से 200 ये दवाई के जो पैकेट है मुफ्त देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल। अच्छा एक मेरा भी सवाल है, देख सके पक्का कर दूं? पक्का, श्योर, पक्का है, 100% है, प्रेस के सामने है सर, कि ये हर महीने जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं, जितना मतलब यहाँ आपके काम में बरकत देगा, ये तो पक्का। पापा हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ काजी साहब के, जैसे मैं हालांकि मैं सोशल वर्कर ही समझिए, क्योंकि हर इवेंट में आप मुझे देख लेते हैं, और करीबन मेरे यहाँ से यूपी बिहार से काफी लोग जो है कैंसर के पीड़ित हैं और वो टाटा हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां शायद ये आपकी दवाई वहां तक पहुंच नहीं पाती होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कुछ परिजनों को हुआ हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको जरूर तकलीफ देना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस वक्त टाटा हॉस्पिटल में जो मेरे परिचित हैं तो वह हैं, तो उनके लिए आप मेरे को ये दवाइयां दें। अब इसके तरीका बताइए कि ये किस तरीके से ली जाती है और कितने दिनों में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक का ये है कि पहले तो 3-4-5-6 महीने तक तो वो अपना एक बेस बढ़ाती रहती है, उसके बाद में मतलब वो असर करना शुरू करती है। तो आपकी दवाई कितने दिन में असर करती है कि जिससे पता चला बेस बढ़ाने के चक्कर में पता चला पेशेंट ही बढ़ गया? नहीं नहीं, एक महीने में तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट स्टार्ट होता है जी, एक महीने में है मतलब एक डब्बे में उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, हर एक नॉर्मल होने के लिए 4-5 डब्बे कम से कम लगेंगे। जो सरकारी दवाइयां चल रही हैं, मेडिसिन चल रहा है अंग्रेजी, उसके साथ साथ आपकी ये दवाई दी जा सकती है या उसको रोक के तभी दिया जाएगा? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके साथ में दे सकते हैं, बाद में धीरे धीरे जो डॉक्टर से कंसल्ट करें वो खुद ही बोलेंगे आपकी दवाई कब लगेगी। और भारत सरकार के किसी संस्थान से आपको मान्यता प्राप्त है इस दवाई के लिए? हमारे पास अप्रूवल है, हमने ट्रेडमार्क भी हुआ है, रजिस्टर भी है, और इन्फ्लेक्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, उसमें हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें सुबह में बस वगैरह है, काफी अच्छी चीजें हैं जिससे लोगों को फायदा होगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बताएं क्या क्या है इसमें और कैसे तैयार होता है, ये क्या क्या है? ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पर दिखाया जाएगा, सारी चीजें जैसे वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, कि ये रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, थोड़ा सा हाँ बताइए, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते जी, बताएं राजेंद्र साहब। ओके सो वी हैव अ इनगी प्रोडक्ट्स एंड किचन्स, माइक हटाइए, माइक हटा के बोलिए, बिना माइक का बोलिए चलेगा, बिना माइक का बोलिए आवाज आएगी, आप बोलिए बोलिए साहब, नहीं दवाइयों के नाम बोलिए क्या क्या। सो हम लोगों के पास इस प्रोडक्ट में वी हैव अ लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स लाइक संभारी पाउडर, संजीरा पाउडर एंड गुलाब पाउडर, कलुंजी सीड्स, सो वी हैव अश्वगंधा विद अस, टर्मरिक पाउडर एंड आमला फ्रूट पाउडर, तुलसी लीफ पाउडर, सोनामुखी लीफ पाउडर्स, लोहा भस्म, वी हैव एडेड सोम भस्म एंड अदर एक्सपीरियंस इन दिस।
So we have a PPT in this kit. We have a lots of benefit of this product, ingredients. So जिसमें जितने सारे ingredients हैं, आयुर्वेदिक ingredients हैं, उसके बहुत सारे anti-cancer activities हैं. ये product body के immunity system को boost करने में बहुत ज्यादा help करती है, because इसके जो ingredients हैं इसमें बहुत ज्यादा anti-cancer activities हैं, antibacterial activities हैं, anti-cancer activities के साथ साथ anti-tumor activities हैं and other चीजों में body के immunity system को boost करने के लिए ये इसके अंदर जो ingredients हैं वो बहुत ज्यादा help करते हैं. So we have a PPT also with us, इसमें जो हम लोगों को दिखाएंगे जो यहाँ पे है कि what is the benefit of this ingredients, जितने सारे हमने ingredients use किए हैं, इसके different different kinds of benefits हम उनको बताएंगे और इस product के बारे में in detail वहाँ पर हमको बताएंगे. अभी just हमने आपको just in short, we have just explained the ingredients list and the small benefit of this ingredients. काजी साहब, बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे, किसके लिए आप? मोस्टली ज्यादातर कैंसर ब्लड कैंसर में हमने नहीं दिया. जिसको कैंसर नहीं है अगर वो ये खाए या इसका सेवन करे तो उससे कोई फायदा मिलेगा? कोई नुकसान नहीं होगा. क्या काम आता है? बॉडी को फिटनेस पावर बढ़ाएगा. ये मैडम को भी कुछ बोल ले तो मैडम, आपने आपने यूज किया क्या प्रोडक्ट, या आपको कुछ जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? नहीं, मैंने तो अभी तक यूज नहीं किया है, बट जब मुझे संजय भूषण जी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर के बारे में बताया, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके और मुझे भी पहुंच रही है, बिकॉज इस टाइप के प्रोडक्ट जिस बीमारी के बारे में हम लोग सुनते ही डर जाते हैं, कैंसर फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो या थर्ड हो, हम पहले ही डर जाते हैं. उसके जो भी ट्रीटमेंट होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत दर्द होता है, तो ये सब चीजों के लिए सर ने जो प्रोडक्ट शुरू किया है वो अभी जो फ्री में देने के प्लान किए हैं, तो ये हम लोग के लिए और इस टाइप्स के बहुत सारे पोर फैमिली है जो ये चीज है, हम लोग इतने कॉस्टली दवाई होते हैं, केमोथेरेपी होता है, तो वो सब चीजें वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते. तो सर ने जो अभी किया है ये देना और ये इतना सस्ते में देना जितने भी प्राइस हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक मतलब आपका एलोपैथी से काफी ज्यादा लो प्राइस में ही मिलता है, बहुत ज्यादा हेवी प्राइस नहीं होता है, तो ये हम लोग मुझे लगता है बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, समाज के लिए, और इसको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहिए. गवर्नमेंट को भी इसमें हेल्प करना चाहिए, जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, कैंसर टाटा हॉस्पिटल है, तो वहां पर भी ये प्रोडक्ट जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम डरने के बाद अगर ये प्रोडक्ट लेके, सर ने इतना दावे के साथ कहा है, उन्होंने इतने साल ट्रीटमेंट किया और उस ट्रीटमेंट का एक अच्छा बेनिफिट मिला जो प्रेजेंट यहाँ पर है, बहुत सारे पेशेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ. मैम आप कुछ कह रहे हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि कैंसर के मरीज किस तरह से जूझते हैं, ठीक है, मैं अगर किसी को एसोफेगस जैसे ओरल का कैंसर है तो वो उनको खाना नहीं खा सकते, वो कोई चीज उनको अगर सोलो करनी है तो वो डिफिकल्टी होती है, वो वीक से वीक होते जाते हैं, कीमो लेने के बावजूद भी कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज कीमो की वजह से और ज्यादा बॉडी श्रिंक होती है, ठीक है. देन उसके बाद अगर ये मेडिसिन यूज करता है वो पेशेंट, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे पेशेंट को दिया है, हमको जो रिजल्ट मिला है वो हम बता रहे कि अगर इसोफेगस जो ओरल कैंसर वाले को पेशेंट को हमने दिया जो वो खा नहीं सकता था कुछ भी, ना सॉलिड ना लिक्विड कुछ नहीं, ये मेडिसिन लेने के बाद एक महीना 15 से 20 दिन के अंदर ही उनको वो लिक्विड इजीली सोलो करने लगे, इजीली होने के बाद देन फिर धीरे धीरे जैसे 2 महीना हो गया तो फिर वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड देन थोड़ा सा सॉलिड वो भी उनको मतलब इजीली जाने लगा. मीन्स अगर वो इजीली अगर वो ले सकते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उनको वो मेडिसिन से हो रहा है. इसकी कीमत तो अभी डिसाइड नहीं की, लेकिन फिर भी 7 से 8 हजार की रहेगी मैडम की तरफ देख के. फिर आपने प्राइस बताया क्या है मैडम? डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड नहीं किया. अभी आपका पोस्ट क्या है मैडम? क्या है मैडम? वाइफ है ना. इस कंपनी में क्या पोस्ट है? वो एज ए मेरे पार्टनर ही है, डायरेक्टर ही रहेगी. डायरेक्टर रहेंगे. वाह वाह, बहुत बढ़िया था सर. एक जानकारी मुझे चाहिए थी, मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग कहाँ हो रही है सर, कहाँ से कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर हमारी इंफ्लेक्स कंपनी लिमिटेड कंपनी है, टालीगंज में फैक्ट्री. लेकिन सर अगर एक डिब्बा जो है वो 7 to 8 thousand रुपीज है, आप इसके ऊपर कितना परसेंटेज देंगे, कितनी रियायत देंगे आप? सर मैं तो बोल रहा हूँ गरीब पेशेंट जो है उनके लिए फ्री देंगे, अफोर्डेबल पेशेंट है कुछ दे सकता हूँ.
हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबके दिलों में एक ही सवाल है कि क्योंकि अगर आप एक धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं, एक इबादत है, मानव पत्र की इबादत है, कि आप किस हिसाब से करेंगे, आपको इसकी देखनी होगी, इसका जो है क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिकॉज आपने अभी तक इसकी कीमत तय नहीं की है और आप कह रहे हैं कि ओपिनियन लोगों को बहुत अच्छी है, हमारे लिए और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो। और एक बार मैं फिर भी उसी बात को क्लियर कर रहा हूँ, अगर इसमें असर है इसकी खुशबू दूर से लगता है तो आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आज आप कितने लोगों को खरीद रहे हैं, आज तो कोई आया नहीं तो है भाई, है ऐसा नहीं है, कहा गया आपसे और मेरे ख्याल से आप लोग प्रेस ज्यादा है, नहीं आई मीन कि प्रेस के अगर किसी साथी को किसी पड़ोसी को अगर कुछ हो तो आई थिंक मेरे को तो एक डब्बा दे देना क्योंकि मैं तो कल ही सुबह भेज दूंगा, आई एम वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, एक ये नहीं है ना, नहीं मंच वाला डब्बा, आई मीन इट कि जितने प्रेस वाले ज्यादा हैं यहाँ पे अगर आपके किसी साथी को पड़ोसी को किसी को नहीं, मैं तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए लूंगा क्योंकि मेरे को अभी क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गांधी साहब कि कैंसर पेशेंट होने के बाद में जब वो टाटा हॉस्पिटल जाते हैं तो हर एक को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता, अगर एडमिशन मिल जाता है तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती और उनके रहने की वजह से अभी मेरे एक मित्र हैं जो कि कैंसर पेशेंटों के लिए 800 लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो समझिए कि ऐसे कुछ है तो उनकी जगह अगर ये डब्बे जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो काफी उनको हेल्प होगी, या आपकी तरफ से भी हेल्प होगी, हम लोग भी उनकी तरफ से हेल्प करेंगे और कुछ इसका प्राइस आप वाकई में 8,000 तो कुछ ज्यादा मुझे ज्यादा लग रहा है तो उसको कुछ ऐसा उसको तय करके ना बताइएगा बहुत ही। और इसके लिए हम अल्लाह ताला से ईश्वर से भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस मकसद से जिस नियत से आप आगे आए अल्लाह आपको भोलेनाथ आपको कामयाब करें। सर आपने कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर कादरी और एचके अर्बन टीम को बस बधाई देना चाहते हैं और उन्होंने ये जो कैंसर पीड़ितों के लिए किया है तो बहुत अच्छी बात है और इससे गरीबों को फायदा होगा और जो मरीज अगर कैंसर की दवाई उन्होंने अच्छी बनाई है तो उनको अगर फायदा मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह से हम भी इसका प्रमोशन करेंगे और मैंने किया भी है। डॉक्टर कादरी जी भी 3 दिन पहले मेरे ऑफिस पर आए थे तो मैंने इनका प्रमोशन किया, इनको मालूम है, तो इसी तरह करते रहेंगे, अगर अच्छी है तो हम 100% करेंगे सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। बस आप मीडिया से यही गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करें ताकि हर एक आप यहाँ सेंटर आ जाए सर मीटर आप मीटर नंबर बताइए तो मीडिया से बस हमारी यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि ये कैंसर की मेडिसिन एक वरदान के तौर पर काम करेगी। मतलब आप अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कितना कॉस्ट होता है, इतना होता है कि घर बेचने की नौबत आ जाती है इंसान को, ठीक है लोगों को, तो अगर उस चीज से बचना चाहते हैं तो इसको एक बार सिर्फ लेकर देखिए, आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा, जब रिजल्ट पता चलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी को बोलने की किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हमारे तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें। थैंक यू सर। सामने देखिए सब लोग, थैंक्स टू प्रिंस जो जिसने हम सबको इकट्ठा किया है और ये हमारी शूटिंग में भी गए थे जाके वहां भी उन्होंने रिक्वेस्ट